नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएमजेड न्यूज इंडिया में। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, सभी इंटरनेशनल यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, कहा खाली कुर्सियों से भटकाया था, न सुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन भारत कैसे सुरक्षित रह सकता है। उत्तर प्रदेश की निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सरकार का ऐलान, कोरोना पॉजिटिव होने पर मिलेगा 28 दिन का वेतन और अवकाश। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार 1.17 लाख नए केस मिले। अमृतसर एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन 2 फ्लाइट्स के 173 यात्री हुए पॉजिटिव। फरीदाबाद से जस्ट डायल से ली जानकारी, फिर एसबीआई का अधिकारी बनकर करीब 200 लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश स्पा सेंटर की यार्ड में हो रहा था दुर्व्यापार, विदेशी लड़कियों समेत 18 लोग पकड़े गए। जम्मू कश्मीर बड़गाम में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकवादियों को मार गिराया, हथियार भी किए गए बरामद। भारत में 150 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य हुआ पूरा, पीएम मोदी आज स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों के साथ की चर्चा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा देश की सीमाओं पर भी सुरक्षा में हो रही है कमी, इस पर पीएम मोदी क्यों नहीं बोलते। मुंबई पुलिस ने डंडे बरसाए, लेकिन यूपी बिहार के मजदूर रात भर स्टेशन पर डटे रहे, बोले लॉकडाउन लगा तो यहाँ भूखे मर जाएंगे। ये थी अब तक की खास खबरें, कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहे एसएमजेड न्यूज़ इंडिया।